केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय जयपुर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से 6 से 10 फरवरी तक बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर अंबाबाड़ी परिसर में अमृत यात्रा इंडिया एट 2047 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। प्रदर्शनी का शुभारंभ आज जयपुर ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर ने किया। पत्र सूचना कार्यालय जयपुर के संयुक्त निदेशक पवन सिंह फौजदार ने बताया कि मल्टीमीडिया प्रदर्शनी में अमृत यात्रा इंडिया 2047 के तहत केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर विभिन्न चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस दौरान केंद्र सरकार के विभागों की ओर से स्टॉल्स भी लगाई गई हैं। कार्यक्रम में प्रदर्शनी रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों पर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। इस दौरान पीआईबी के संयुक्त निदेशक पवन सिंह फौजदार, केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय जयपुर के सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा, दूरदर्शन समाचार उपनिदेशक मंजू मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व स्कूली बच्चे मौजूद रहे। मोदी जी, आज़ादी के अमृत महोत्सव को पूरा देश इस तरह सेलिब्रेट कर रहा है कि जो अमृत महोत्सव है, आज़ादी की अमृत यात्रा है, वो कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। कर्तव्य पथ पर हम लोग सभी देश के नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश का विकास होगा। साथ ही पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का भी इसमें डिस्प्ले किया हुआ है कि इसके पूरे कितने लाभार्थी हैं और जल शक्ति मिशन के अंदर क्या मिला है हमें और कितने संसाधन, मेट्रोज का हमारा नया डेवलपमेंट है, इसके साथ महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य हुए हैं वो सारे यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। और निश्चित रूप से मैं चाहती हूँ कि जयपुर के सभी लोग आकर इस अमृत यात्रा कर्तव्य पथ के ऊपर अग्रसर होते हुए इसको डिस्प्ले को देखेंगे तो सबको पता चलेगा कि कितना अच्छा हमारा देश है, वो आगे कर्तव्य पथ पर अग्रसर है। मल्टीमीडिया एग्जीबिशन है, इसमें जो आज़ादी के अमृत महोत्सव है, जो अमृत काल है जो 2047 तक चलेगा, उस उपलक्ष्य में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो विभिन्न स्कीम्स हैं उनको अलग अलग क्रिएटिव तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकें और उनको फर्दर प्रचार प्रसार कर सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें। और इसमें सब तरीके के कंपोनेंट, हर एक सेक्टर को टच किया गया है, बजट को, इकोनॉमी को, G20 को, स्पोर्ट्स को, यूथ को, जो भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई हैं उन सभी को टच करके उनका सभी का डिस्प्ले और उन्हीं के सभी के बारे में जानकारी दी गई है।